व्हाट्सएप यूजर हो जाओ सावधान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप पर किसी को पर्सनल मैसेज भेज रहे हैं या किसी से बातें करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी सेटिंग्स जिसको आपको ऑफ रखना है, नहीं तो आपका पर्सनल मैसेज कोई देख सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका पर्सनल मैसेज कोई पढ़ सकता है बिना आपकी मर्जी के। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका व्हाट्सएप हैक तो नहीं, अगर हैक है तो कैसे हटाए, कैसे पता करे। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है हर एक व्हाट्सएप यूजर के लिए, खासकर मेरी प्यारी सी बहनों के लिए। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे वहां बताता हूं डिटेल्स में कैसे कर सकते हैं पता। तो दोस्तों आप लोग को सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहां पे थ्री लाइंस, आप लोगों को थ्री लाइंस पे टैप करना है। थ्री लाइंस पे टैप करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहां पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा लिंकिंग डिवाइस। जी हां दोस्तों, देखिए यहां पे एक ऑप्शन है लिंक डिवाइस, आप लोग को इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद दोस्तों अगर कुछ उसका इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, कुछ इस तरह से आप पे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे लिंक का डिवाइस, तो आपका व्हाट्सएप मैसेज कोई नहीं देख रहा है, आपको सेफ है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बट यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर कुछ इस तरह से बना हुआ आ रहा है दोस्तों, क्रोम बना हुआ है या यहाँ पे ओपन विंडोज बना हुआ है, तो आपका व्हाट्सएप मैसेज कोई देख रहा है चोरी छिपके, आपको सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कोई इस तरह उनका मैसेज देख सकता है चोरी छिपके, तो आप लोग को सतर्क रहना है। दोस्तों इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना है, मैं बताऊंगा कि किस तरह हटा सकते हैं आप लोग अपने व्हाट्सएप के अंदर। दोस्तों अगर इस तरह से आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसपे, अगर यहाँ पे क्रोम आ रहा है तो क्रोम पे टैप करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉग आउट। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे लॉग आउट कर दीजिए, यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑप्शन हट जाएगा विंडोज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब ऑप्शन हट चुका है, एक और है, मतलब एक दो जगह मेरा व्हाट्सएप अदर चल रहा है, इसके बाद भी दो जगह व्हाट्सएप मेरा चल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को सतर्क रहना है। अब देखिए दोस्तों ये होता कैसे है, एक्चुअल में बहुत सारे लोग होते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं व्हाट्सएप, उसके बाद क्या करते हैं आपका व्हाट्सएप स्कैन कर लेते हैं चोरी छिपके, जब आप नहीं रहते हैं या कभी कॉल्स के बहाने, किसी के अदर्स के बहाने आपका व्हाट्सएप स्कैन कर लेता है, उसके बाद आपका पूरा मैसेज कोई और देख रहा है। बस समझ लीजिए, आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए कि मैसेज कोई और आपका देख रहा है। तो आप लोग को सतर्क रहना है, इस चीज़ को पर डे चेक करना है आपके अपने फ़ोन में कि कोई मतलब कुछ स्कैन तो नहीं कर लिया आपका व्हाट्सअप। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए जिससे सभी के इन्फॉर्मेशन मिल पाए ये, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज़। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, टेक्निकल गोविंद इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, जब तक बंदे मातरम। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को कृपया करके शेयर कर दीजिए सभी के पास।